दोस्तों नमस्कार, एनी क्लास ब्लॉग यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों ठंडा बहुत बढ़ चुका है क्योंकि जनवरी का माह चल रहा है तो ठंडा हो रहा है, तो ठंड से काफ़ी ठिठुरन हो रही दोस्तों। ख़ास तौर पर अल्मोड़ा में तो बहुत ठंडा है। तो दोस्तों मैं इस ठंडे के बीच और एक आपको गर्मी की आहट दिलाने के लिए एक नई रेसिपी लाया हूँ आज। आज दोस्तों हम बनाएंगे उड़द और चना और उसमें गढ़री जिसे अरबी भी कहते हैं उसको डाल करके उड़द चना और अरबी की दाल बनाने वाले हैं। बहुत शानदार दाल बनाने वाले दोस्तों, क्योंकि गर्म होती है तो जाड़ों के दिनों में गहत की दाल होगी, उड़द चने की दाल होगी, ये बहुत गर्म होते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत शानदार रेसिपी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करें और अपने माता बहनों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बना के तो उन्होंने ही आपको खिलाना है। तो आप उनको ज़रूर शेयर करें, शेयर नहीं करेंगे तो आपका देखने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि आप जब उनको भेजेंगे तब वो घरों में आपको बना के खिलाएंगे। तो दोस्तों अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो बनाते हैं आज उड़द चना और गढ़री अरबी की शानदार रेसिपी। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं उड़द और चने की शानदार रेसिपी, उड़द चना। और दोस्तों ये देखिए, ये गढ़री है हमारे घरों में, पहाड़ी गढ़री है दोस्तों, हमारे घरों में अपने घर से आई है। इसको काट के इसको डालेंगे हम उड़द और चने की दाल में। तो दोस्तों बहुत शानदार रेसिपी बनने वाली है, आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने एक दाना टमाटर काट लिया है और 50 ग्राम ये दाल डाल ली है, ये चना है और ये है उड़द, ये छिली हुई उड़द है दोस्तों, और ये तीन हमने हरी मिर्च काट ली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। गढ़री हमने काट ली है, देख सकते हैं मोटा मोटा काटा है। ये दाल हमने धो ली है साफ करके, साफ पानी से। अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दाल बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, पहले दाल को इसमें उबाल लेंगे, उबालने के बाद तड़का बाद में लगाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए चना है, अच्छे से धो रखा है हमने, इसको डाल देंगे। दोस्तों छिली हुई उड़द है, 100 ग्राम मैंने भिगा के रखी है, ये देखिए। मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप चाहें कम ज़्यादा जितने भी खाने वाले हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर हमने एक दाना काटा हुआ है। अब दोस्तों ये हमने गढ़री, इसको अरबी भी बोलते हैं, ये काटी हुई है, ये बहुत शानदार होती है दोस्तों। अगर आप दाल में इसको डालेंगे तो बहुत, एक बार बना के देख लें, बहुत आनंद आएगा, बहुत स्वाद आएगा आपको। ये पहाड़ी है, ये अच्छे से गल के मक्खन बन जाता है इसका। डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। अब दोस्तों ये आधे चम्मच हमने हल्दी डाल दी इसमें पाउडर, और दोस्तों आधा चम्मच हमने स्पेशल मसाला है इसमें, सभी चीज़ हमने पिसा हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है, मैंने पहले वीडियो डाली थी आपने देखा होगा, आधा चम्मच डालेंगे। और दोस्तों 1 चम्मच कर देंगे नमक, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें पानी ऐड कर देंगे, हम देख सकते हैं पानी ऐड कर देंगे इसमें 1 लीटर के बराबर, क्योंकि मोटी दाल है तो पकने में टाइम लगेगा, तो गढ़री भी है इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। अब दोस्तों इसमें ऐड कर देंगे छोटे टेबल स्पून से 1 स्पून के बराबर कच्चा तेल, इससे उबाल नहीं आएगा ये। अब दोस्तों इसको चला लेंगे, थोड़ा सा चला के इसमें प्रेशर कुकर बंद करके दोस्तों इसमें इसको 15 से 20 मिनट हम जो है 5 से 6 सीटी आने तक इसको ढक्कन लगा के पका लेंगे अच्छे से। दोस्तों इसको चला लेंगे थोड़ा सा, इसको चला कर चलाने के बाद हम इसमें ढक्कन रख के इसमें सीटी लगा लेंगे 5 से 6 सीटी, क्योंकि मोटी दाल है और गढ़री है तो इसको पकने में समय लगेगा, तो इसको 15 से 20 मिनट तक हम पका लेंगे ढक्कन लगा के। देखते हैं दाल हमारी बॉयल हो चुकी है, बड़ी अच्छी बॉयल हुई है दोस्तों, देख सकते हैं ये अच्छे से गली है, बहुत शानदार दाल बनी है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। हम दाल में लगाने वाले हैं शानदार तड़का। तड़का लगाने के लिए दोस्तों कढ़ाई हमने रख ली है, अब इसमें डालेंगे घी। दोस्तों इसमें 2 चम्मच हमने घी डाल, घी हमारा हो चुका है, 2 इसमें लाल मिर्च डालेंगे साबुत, इसको अच्छे से क्रंची कर लेंगे, बहुत ही इसको जला लेंगे अच्छे से, स्वाद बहुत अच्छा आता है इसका, निकालेंगे उसके बाद। दोस्तों देख सकते हैं मिर्च हमारी भुन चुकी है अच्छे से। दोस्तों 1 चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें, देख सकते हैं ये देखिए, ये थोड़ा सा हींग डाल देंगे 1 इंच। दोस्तों हींग हमारा हो चुका है, गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम, और जीरा भी हो चुका है देख सकते हैं। अब इसमें ये 1 गांठ पूरी हमने लहसुन छील रखा है दोस्तों, आजकल जाड़े के दिन है तो लहसुन ज़्यादा खाना चाहिए, देखिए इसको पका लेंगे 20 से 30 सेकंड तक। दोस्तों देखिए लहसुन हमारा हो चुका है, अब प्याज ऐड कर देंगे इसमें, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे अभी तक, प्याज को 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे, इसको ब्राउन होने देंगे अच्छे से।
दोस्तों प्याज हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लिया है दोस्तों, हो सका है देख सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, ये खड़ा मसाला हमने पीस रखा है मिक्सी में, इसको थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो अगर दाल खड़ी दाल है और गडरी है उसमें तो गर्म मसाला तो बनता ही है, इसको हम फ्लेम में जो है रोस्ट कर लेंगे मसाले को। दोस्तों थोड़ा ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इसका भी स्वाद अलग है। दोस्तों दाल हम बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, ज़्यादा मसाले वाली नहीं बना रहे हैं, ना ज़्यादा तेल डाल रहे हैं, इसमें घी डाल रखा है हमने, घी में बना रहे हैं हम लोग। एक पका हुआ घी खाना चाहिए क्योंकि शरीर में लगता है ये, नुकसान नहीं करता दोस्तों पका हुआ घी। दोस्तों आज हम बहुत शानदार रेसिपी बनाने वाले हैं दाल की, आप ज़रूर बनाएं इसको, जाड़ों के दिन हैं तो हमें गर्म खाना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं मसाला हमारा हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे दाल, जो हमने दाल बॉईल कर रखी है उसको ऐड कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं दाल हमने ऐड कर दी है, बहुत लाजवाब दाल बनी है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये अरबी है, गडरी बोलते हैं जिसे, बहुत शानदार दाल बनी है। आज सावन के साथ हम गरम गरम सर्व करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आता हूं, तो आप हमारे वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करें माता बहनों को, अपने साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। अगर शेयर करेंगे तभी तो फ़ायदा है देखने, वीडियो देखने का, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। शेयर करेंगे तो घर में अच्छा अच्छा बना के आपको खिला सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने दाल की ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आप चाहें तो आप वैसे भी कर खा सकते हैं अगर आप ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं। तो मैंने चावल के साथ सर्व करना है, हमने चावल के साथ खाना है इसे, तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसमें और थोड़ा सा इसकी ग्रेवी जो है पतली कर दी है। दोस्तों बहुत शानदार दाल बनने वाली है, अब इसको पका लेंगे हम 10 मिनट तक दोस्तों, मीडियम फ्लेम में पकाएंगे इसके, आज बहुत अच्छी दाल बनेगी। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अच्छे से, उड़द चने की दाल बहुत अच्छी होती है दोस्तों, छिलके वाली उड़द होती है जो, देखिए ये जो गडरी है ना दोस्तों, ये गडरी बहुत शानदार होती है, ये मार्केट में जो मिलती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, हमारे घरों में जो घरों में हम गडरी का उत्पादन करते हैं वो बहुत शानदार होती है। ये मक्खन बनती है बिल्कुल पकने के बाद, तो दोस्तों दाल हमारी बन चुकी है, गैस का फ्लेम कर दिया हमने बंद, तो दोस्तों आप गरम गरम सर्व करेंगे, आप बहुत शानदार दाल बनी है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं, जाड़ों के दिन हैं तो गरम गरम दाल और इसकी जो तासीर होती है गरम होती है दोस्तों, गडरे तो वैसे ठंडे होते हैं लेकिन दाल में किसी चीज़ में आप डालेंगे तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। तो दोस्तों आप माता बहनें घर में और जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे उनको ज़रूर खिलाएँ क्योंकि ये गर्मी पैदा करती है। तो दोस्तों अब हम गरम गरम सर्व करेंगे इसको, दोस्तों हमने गरम गरम सर्व किया है चावल के साथ, देख सकते हैं ये चुकंदर है, ये जो हमने जो हमने लाल मिर्च भुनी थी वो है, और प्याज है दोस्तों, सलाद है, ये देखिए ये गडरी और चावल। दोस्तों बहुत शानदार रेसिपी बनी है, गरम गरम सर्व करते हैं हम, बहुत मज़ा आने वाला है आज, ये देखिए दोस्तों। तो आप भी अपने घरों में ज़रूर बनाएँ और सभी को शेयर करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज मैंने बनाई उड़द चना और अरवी गडरी की शानदार रेसिपी, गरम गरम रेसिपी बना के आपको दिखाई दोस्तों वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने माता बहनों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अब मिलूँगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठंडे के दिन हैं, अपना ख्याल जरूर रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनें, और ठंड में जिनको दिक्कत है बाहर कम निकलें, और दिन में धूप सेकें, विटामिन डी लें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।